नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, 40 लाख महिलाओं को राजस्थान में फ्री मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार अब जल्दी फ्री मोबाइल योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटने वाली है। इसके लिए समय का निर्धारण भी यहाँ पर कर लिया गया है। दरअसल सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार योजना के पहले चरण में 40 लाख परिवारों को ये मोबाइल जो है पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। वही योजना की बजट घोषणा के बाद से यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि मोबाइल कब बांटे जाएंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी समय यहाँ पर नहीं बताया गया है। वही गुरुवार को सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके तहत प्रदेश में 1,35,00,000 महिलाओं को जो है स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा। वह राजस्थान सरकार की ओर से 3 महीने बाद से यहाँ पर मोबाइल वितरण शुरू जो है वो किया जाएगा। इसके लिए रक्षाबंधन यानी 30 अगस्त 2023 का समय निर्धारित यहाँ पर किया गया है। रक्षाबंधन से सरकार मोबाइल बांटना शुरू कर देगी। इसके बाद दूसरे चरण में कितने परिवारों की महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं दी गई है। वहीं फ्री मोबाइल योजना के तहत इस स्मार्टफोन में महिलाओं को 3 साल तक इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही कॉलिंग और मैसेज की सुविधा भी इसमें होगी। वही महिला मुखिया को इंटरनेट डेटा कॉलिंग और मैसेजिंग का 3 साल तक का फायदा जो है मिलेगा। जानकारी के अनुसार योजना के तहत महिलाओं को करीब 9 से 10,000 रुपए की कीमत का जो स्मार्टफोन जो है सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए। राजस्थान में 1,50,000 परिवारों को बिना ब्याज मिलेगा लोन। राजस्थान ग्रामीण जो परिवार आजीविका योजना है वो शुरू हो गई है। इस योजना के तहत 1,50,000 परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। वह इस पर किस तरह का ब्याज यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। योजना में शामिल आवेदक को 25,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन जो है केंद्रीय सहकारी बैंकों से मिलेगा। वही सरकार ने ये योजना जो है कृषि कार्यों से संबंधित आजीविका पर निर्भर रहने वाले परिवारों के लिए तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण यहाँ पर पारदर्शिता है। जो लोग समय पर लोन देंगे उन्हें यहाँ पर नवीनीकरण करा सकेंगे, यानी वो नवीनीकरण यहाँ पर करा सकेंगे। उनसे किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। वैसे सहकारी बैंक ऋण के लिए किसी तरह के कोई भी प्रोसेसिंग फीस जो है राजस्थान में नहीं लेंगे। वही आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ जो है वो जरूरी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, 5 साल का स्थायी प्रमाण पत्र के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की कॉपी और भूमि के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। जानकारी आपकी ओर से उपलब्ध कराई जाएगी और उनके यहाँ पर जिला स्तरीय कमेटी वेरिफिकेशन करेगी। सब कुछ सही मिलान करने के बाद आवेदन जो है शाखा को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीएम गहलोत की 19 जिलों की नई सौगात के बाद अब तहसीलों को तोहफा देने की है तैयारी। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार 2 जिलों को सौगात देते हुए उप तहसीलों को नई तहसीलों में कर्मोन्नत यहाँ पर किया है। दरअसल राजस्थान में 2 जिले की उप तहसील भंडारेज को तहसील में कर्मोन्नत किया है। साथ ही जिले में नवीन उप तहसील और देड़ा बालीहाट और इसके अलावा गीजगढ़ स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी है। वही गहलोत के इस निर्णय से आमजन को स्थानीय यहाँ पर स्तर पर राजस्व कार्य का निस्तारण से राहत यहाँ पर मिलेगी। कर्मोन्नत तहसील भंडारेज में 2 भू अभिलेख निरीक्षण कृत वित्त और 4 पटवार मंडल शामिल यहाँ पर होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है राजस्थान में NCERT पाठ्यक्रम को लेकर है। राजस्थान में नहीं लागू होगा NCERT का नया पाठ्यक्रम, पुराने किताबों से होगी पढ़ाई। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो परीक्षण जो केंद्र है NCERT उसके ओर से यहाँ पर इतिहास की किताब किए गए बदलाव का राजस्थान में अप्लाई नहीं जाएगा। वही साल राज्य में छात्रों को इतिहास की पुराने जो पैटर्न उस पर आधारित किताबों को ही पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों छात्र प्रभावित होंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री इस फैसले के पीछे कारण भी स्पष्ट किया है। वह राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि केंद्र ने अचानक ही 30% कोर्स कम करने के नाम पर इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ की है। हम इतिहासकारों से इसकी यहाँ पर जांच करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले ही यहाँ पर पाठ्यक्रम की 1.5 करोड़ किताबें यहाँ पर छापी जा चुकी है। अगर उन्हें हटाया जाएगा तो राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हम इतनी किताबों को खराब नहीं करेंगे, उन्हीं से यहाँ पर स्कूलों में यहाँ पर जो है पढ़ाया जाएगा। वह NCERT जो है वो इतिहास विषय के भाग 2 की किताब से 16वीं और 17वीं शताब्दी मुगल शासक और साम्राज्य अकबरनामा मुगल सम्राट शाहजहां के इतिहास को यहाँ पर इसमें हटा दिया गया है। वह किताबों से पंडेलिपियाँ की रचनाएं और रंगचित्रण, आदर्श राज्य और राजधानी और दरबार शाही और परिवार जैसे टॉपिक भी हटा दिए गए हैं।